बिसम रिमी असल आई एम सबर खान प्रजेंटिंग टेंथ लेक्चर ऑफ क्लास थ्री फ्राम न्यू ऑक्सफर्ड सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर फाइव वेयर वी लिव लेसन नंबर ट्वेल्व सिटीज़ एंड विलेजेज रिमेनिंग रीडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क ड्रॉ विलेज लाइफ आपने अब विलेज लाइफ कैसे ड्रा करनी है आपने प्रॉपर विलेज ड्रॉ करना है ठीक है ट्रीज ड्रा करें थोड़े से प्लेन्स ड्रा करें प्लेन्स मतलब मैदान ड्रॉ करें फील्ड्स ड्रा करें तो और रिवर बना दें उसमें से वो आपका विलेज लाइफ हो जाएगी हेर इज बुक टाइटल पेज इट्स रिमेनिंग रीडिंग ऑफ विलेज लाइफ सिटीजन विलेज हम डिफरेंस पढ़ रहे थे ठीक है हमने सिटीज़ पढ़ ली थी कि सिटीज़ में क्या होता है क्या हमने चीज़ें देखी हैं सिटीज़ में हम विलेज लाइफ पर आ जाते हैं अब विलेज लाइफ भी हम पढ़ रहे थे उसमें हमने इंडस्ट्रियल एरियाज पढ़े थे सारे इन मोस्ट विजेज देर इज मॉस्क एंड स्माल स्कूल बहुत सारे विजेज ऐसे भी हैं जिनमें छोटे छोटे से स्कूल भी हैं प्राइमरी तक होते हैं उसके बाद फिर वो मॉस्क भी हैं वहाँ पर द लार्जर विलेज हैव आई स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस एंड सम और जो बड़े विलेज हैं जो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी है जहाँ पर गैस भी है वहाँ पर बड़े स्कूल भी हैं जो सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाते हैं पोस्ट ऑफिस भी वहाँ पर है देयर मे बी अ क्लिनिक और डिस्पेंसरी वेयर बेसिक मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर डिस्पेंसरीज भी होती हैं जो एज अ फंड चलती हैं ठीक है ठीके? जो एज अ ट्रस्ट चलती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करती हैं बट देर इज़ नो हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स नहीं होते विलेज़स में क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकते अपने सिटीज़ को छोड़ के देर आर नो लाइब्रेरीज और म्यूज़ियम्स इन विलेज़ विलेज़ में लाइब्रेरीज भी नहीं होती और म्यूज़ियम्स भी नहीं होते देर आर नो पार्कस और ज़ूज़ आइदर पार्कस और जूज भी नहीं होते क्योंकि ये चीज़ें सारी सिटीज़ की हैं समटाइम्स इन विलेजर्स केम टूगैदर वैन देयर इज़ अ फेस्टिवल कहने के विलेजर्स जो हैं इस तरह की चीज़ें इंजॉय करते हैं जब फेस्टिवल्स होते हैं त्यौहार होते हैं वहाँ पर क्या लगते हैं आपने देखा होगा जैसे आप लोग मेला बोलते हो ठीक है फेस्टिवल को त्यौहार होते हैं वहाँ पर सेलिब्रेशन होती हैं कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं जो वहाँ पर सारे फिर सब वो लोग अपने ट्रेडिशन्स को दिखाते हैं अपने एरिया के डांसेस होते हैं उनके स्विंग्स लगते हैं स्टॉल्स लगते हैं फूड्स के और इस तरह के इस तरह के हॉर्स डांस भी होते हैं डांस हॉर्स डांसिंग हॉर्स एट अ विलेज फेयर ये तो आपने बहुत दफ़ा देखा भी होगा और एन्वायरमेंट हमारा माहौल क्या है अब देर आर द एरिया इन विच समथ एग्जस्ट और लिवस इज कॉल्ड इट्स एनवामेंट इन्वायरमेंट माहौल क्या होता है जहाँ पर कुछ चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं हमारे इर्द गिर्द का माहौल है जैसे हम लोग लो, लो हैं हमने अपने इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं एरिया बनाया है एज सच एवरी थिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस विद कैन इफेक्ट और लाइफ इज द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट वह तमाम चीज़ें जो हमारे रहते हुए हम पे असरअंदाज होती हैं वो हमारा इन्वामेंट होता है चाहे वह हमारा वेदर हो हमारी पोल्यूशन पॉपुलेशन ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं ना वट एवर वी लिव इन स्मॉल टाउन्स बिग सिटीज़ और विलेजेस वी मस्ट कीप आवर अर सराउंडिंगस क्लीन सो दैट द इन्वायरमेंट इज़ क्लीन एंड हेल्दी हमें क्या है हम कहीं पर भी रह रहे हैं हम विलेजेस में रह रहे हैं स्मॉल टाउन्स में छोटे घरों में बड़े सिटीज़ में रह रहे हैं हमें अपना इर्द गिर्द का एरिया अपना माहौल अपना इन्वायरमेंट साफ सुथरा रखना है ताकि अगर हम हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो वी कैन डू दिस बाय फॉलोइंग द थ्री आर प्रिंसिपल्स थ्री आर मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हैं जिससे आप इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं रेडियूज़ रीयूज एंड रीसाइकल रिडीयूज यानी कम करना री यूज़ यानी दोबारा से यूज में लाना किसी चीज़ को फेंकना नहीं है एक चीज़ इस्तेमाल करके और रीसाइकल जो वेस्टेज uh, चीज़ें होती हैं उन्हें हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं लाइक प्लास्टिक्स रिडीयूज मीन्स नॉट वेस्टिंग एनी थिंग वट एवर इज़ फूड वाटर और पेपर वी शुड यूज थिंग्स ओनली एज मच एज वी नीड टू एंड नाट वेस्ट रिसोर्स वो कह रहे हैं कि क्या है रडियूज़ में मतलब आपको जितनी चीज़ की ज़रूरत है आप सिर्फ उतना ही यूज़ करें और उससे ज़्यादा यूज़ ना करें यानी आप अगर ज़्यादा करेंगे तो आप ग्रीडीनेस में आ जाएंगे आप लालच करेंगे चीज़ की और वह चीज़ ज़ाय हो जाएगी किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना री यूज़ री यूज़ मीन्स इट सेज़ टू यूज़ समथिंग अगेन इंस्टेड ऑफ सिम्पली थ्रोइंग इट अवे यू वुड री यूज़ ग्लास बॉटल्स कबर्स बॉक्सिस एंड क्लोथ बैग्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन अच्छा जी वो कह रहे हैं कि आप री यूज़ भी कर सकते हैं लाइक like, अगर आप clothes है, आपके क्लोथ्स हैं आपके बैग्स हैं आपकी बॉटल्स हैं अगर आप एक दफ़ा पहनोगे दो दफ़ा पहनोगे फिर कहोगे फेंक देते हैं इसे हमें ऐसा नहीं करना आप चीज़ों को बार बार यूज़ कर सकते हो अपनी होम अप्लाइंसिस को भी आप दोबारा यूज़ कर सकते हो यू नो हाउ मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक पेपर पेपर बनाने के लिए ट्रीज़ कट किए जाते हैं उनकी लकड़ियों से उनको फैक्ट्रीज में लाया जाता है बहुत सारी आ, उनसे क्या कहते हैं है, वो चीज़ें जो हैं वो गुजारी जाती हैं फैक्ट्रीज़ में इसकी इस बात हमारा जो है वो पेपर बनता है डू यू नो हाउ मेनी ईयर्स इट टेक्स फॉर अ ट्री टू ग्रो आपको पता है कि ट्री ग्रो करने के लिए कितने ज़्यादा साल की ज़रूरत पड़ती है एक छोटा सा आप प्लांट लगाते हो उसको बढ़ते बढ़ते ग्रो करते हुए बहुत बड़े ज़्यादा साल हो जाते हैं फिर जाके वो ट्री बनता है फिर वो कट हो जाता है जस्ट टू मेक अ पेपर वन वी यूज वैन वी कट डाउन ट्रीज़ carelessly it can cause floods and good soil is washed away besides we create mountains of garbage उन्होंने कहा है कि अगर हम प्रॉपर सही वे में अगर नहीं करेंगे ना ट्रीज़ को कट तो जो फ्लड्स आएंगे जो सारा कुछ होगा ना उससे भी वो सारी चीज़ें रबिश पैदा होगा और वो, वो उससे क्या वो हो जाएगी फ्लो वो बैन लग जाएगा जब हमारा हमारी लकड़ी जो है वो सही तरह से कट नहीं की जाएगी और वो क्या कह रहे हैं अच्छा जी रीसाइकल रिसाइकल मीन दोबारा से वो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं ये वाली सारी चीज़ें दोबारा से यूज यूजलाइज हम कर सकते हैं मीन्स चेंजिंग आई यूज ऑब्जेक्ट टू मेक अ न्यू वन फॉर एग्जाम्पल एलुमिनियम कैन्स कैन बी रीसाइकिल टू मेक अदर एल्युमिनियम आइटम्स कैन यू थिंक ऑफ मोर मटीरियल्स डैट कैन बी रिसाइकल्स यानी क्या इन चीज़ों के अलावा भी कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोच सकते हैं कि हम रिसाइकल कर सकते हैं ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रिसाइकल कर सकते हैं दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं रिवीजन का मतलब यही होता है कि आपकी जो चीज़ें मिस हो गई हैं उसे आप कंप्लीट करें तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स कहीं पर मिस हो गए हैं नोटबुक में वो आप कंप्लीट कर सकते हो थ्रू दिस वेट डिट पीपल स्टार्ट द फर्स्ट सेटलमेंट कब लोगों ने कहाँ से लोगों ने जो है वो फर्स्ट सेटलमेंट स्टार्ट की थी पीपल चूज अ सेफ प्लेस वेयर देयर वॉज वाटर एंड वेयर देयर वॉज इन न फूड जहाँ वहाँ से जहाँ पर उन्हें खाना मिल रहा था और उन्हें रहने के लिए जगह मिल रही थी प्रॉपर पानी मिल रहा था कैन यू एक्सप्लेन वट एन इंडस्ट्रियल सिटी इज इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी होती है द सिटीज़ यूजलीट है मैनी फैक्ट्रीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल सिटीज वो सिटीज जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ होती हैं जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ कहलाती होती हैं वट इज़ नीडेड टू स्टार्ट एन इंडस्ट्रियल सिटी इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के लिए अपने आप को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है गुड वाटर सोर्स पानी का बहुत अच्छा होना होता है मिनरल्स इन ग्राउंड ग्राउंड में जो ज़मीनी मादनियात होती हैं नेचुरल रिसोर्स होना ज़रूरी है गुड सोर्स ऑफ पावर यानी बिजली भी होना ज़रूरी है विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन योर प्रोविंस प्रोविंस हमारे प्रोविंस में यानी हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है लाहौर है वाई वाई डू मोर पीपल लिव इन द कंट्री साइड इन पाकिस्तान कंट्री साइड की साइड पर क्यों रहते हैं बहुत सारे पाकिस्तान बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द पीपल प्रोफेशन इज एग्रीकल्चर कंट्री साइड मीन्स हमारे विलेजर्स विलेज village वाली साइड पर और सो दे लिव इन द कंट्री साइड इन पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो कंट्री साइड पर इसीलिए रहते हैं कि उनका एग्रीकल्चर ही है सकाफ़त ही उनकी ऐसी है कि वो ज़रूरी ज़रात करते हैं यानी हारवेस्टिंग करते हैं फार्मिंग करते हैं ठीक है अच्छा नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं यहाँ से ठीक है ये वाला पार्ट आप छोड़ देंगे डिस्क्राइब दर्क वर, दैट मोस्ट विलेजर्स डू वो वाले तमाम काम जो विलेजर्स करते हैं मोस्ट ऑफ द विजर्स आर फार्मर्स एंड वर्कस इन द फील्ड ऑफकोर्स सबको पता है कि फार्मर्स होते हैं और खेतों में काम करते हैं नेम द सर्विसिज़ विजर्स डोंट हैव वो चीज़ें जो विलेजर्स को नहीं मिलती वो बतानी है हमने पार्क जूज और यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर नहीं होती वट आर सम ऑफ द्राफ्ट यू माइट फाइंड इन विलेजेस कौन से क्राफ्ट आपको मिलते हैं विजेस की जो वुमेन बनाती हैं बास्केट्स बनाती हैं मेकिंग शॉल्स और कारपेट्स बनाती हैं एम्ब्रॉयडरी करती हैं वो इसके अलावा वाई डू यू थिंक यंग चिल्ड्रन अच्छा हमारे पास है वाई डू यू थिंक यंग चिल्ड्रन इन द विलेज हेल्प अडल्ट विद यर वर्क क्यों छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े लोगों की हेल्प करते हैं विजेस में क्या लगता है आपको यंग पीपल देअर अडल्ट फॉर मैनी रीजन्संग पीपल जो हैं वो हेल्प करते हैं बहुत से रीजन्स हैं लाइक टू लेसन देअर पोवर्टी टू कीप दैम बिजी ठीक है लेसन देअर पोवर्टी मीन्स अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए और अपने आप को बिज़ी रखने के लिए क्योंकि उनके पास इतना कोई काम नहीं होता करने के लिए और उनके पास स्टडी नहीं होती क्योंकि वो बहुत कम लोग हैं जो स्टडी करते हैं वहाँ पर ठीक है तो इसलिए वो लोग उन चीज़ से बचने के लिए काम करते हैं आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं इसी वजह से कि वो अपने घर को अर्न करना होता है उन्होंने घर को रन करना होता है चलाना होता है वट इज़ थ्री आर प्रिंसिपल्स वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट थ्री आर प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं रिड्यूस री यूज रीसाइकल ठीक है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप और इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है इसलिए हम उनको जो है वो बार बार कहते हैं कि ये चीज़ें आप इस तरह से करें थ्री प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में लेकर आए होमवर्क अगेन मैं बता देती हूँ होमवर्क आपका यही है कि आपने विलेज लाइफ ड्रॉ करनी है प्रॉपर एक विलेज वाला ट्रीज ड्रा करें फॉरेस्ट ड्रा करें और प्लेस ड्रॉ करें हाउसेस बनाएं उसमें और रिवर बना दें और लेक बना दें कुछ भी बना दें ठीक है और उसको लेबल कर दें साथ में तो ये आपका होमवर्क बन जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच डन फॉर टुडे